केंद्र सरकार ने कहा है कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें लागू नहीं होंगी। सरकार ने कहा कि संविधान के अनुसार मौजूदा आरक्षण ही जारी रहेगा। एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले कल बीजेपी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और ज्ञापन सौंपकर ये मांग की थी कि उनके समाज में कोटे के अंदर कोटे से जुड़ा फैसला लागू नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं।